Good morning, all of you. You know, we were doing the topic collision and classification of collision we have studied, and that classification of collision we are studying in one dimension and two dimension. Yesterday, the topic we have covered was elastic collision in one dimension. Today, we are starting the inelastic collision in one dimension. You know, we have two types of collisions, elastic and inelastic. These two types of collisions we have to study under the topic collision. Yesterday we have started elastic collision, and elastic collision in one dimension we have covered. Today we are doing inelastic collision in one dimension. So let us start inelastic. Sahil, you are late. Diya is late. Be on time, beta. Inelastic collision in one dimension. आपको इन इलास्टिक कोलिजन स्टडी करना है, किसमें? वन डायमेंशन में. आई होप अब सबको वन डायमेंशन का मतलब पता है, ठीक है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस वो मोशन जो कि एक प्लेन में नहीं हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो एक्स जेड प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन के अलोंग, लेट इट बी एक्स एक्सिस, लेट इट बी अलोंग वाई एक्सिस, लेट इट बी अलोंग जेड एक्सिस. तो एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज वन डायमेंशन मोशन. तो आई होप ये क्लियर है. मैंने सबको ये काइनेमेटिक्स के अंदर अच्छे से करा दिया है. दियाज और पवन और ये जो एक और है जिन्होंने अभी एंटर किया है, बेटा मार्क अप योर प्रेजेंस. ओके, लेट अस स्टार्ट इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इन इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच देयर वुड बी सम लॉस. सैजल लेट, उमेश के नाम से जिन्होंने अभी किया है वो भी लेट है. देयर इज सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. ये थ्री थिंग्स आप याद रखेंगे तो कोई भी कोलिजन हो आप कर लेंगे. इन इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड पॉइंट क्या था? Momentum of the system will remain conserved. Momentum of the system will remain conserved. मतलब system का जो momentum है that will be remain as conserved. ठीक है. Third thing क्या थी? Third thing was total energy of the system will also be conserved. ये तीन फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द इन इलास्टिक कोलिजन. ये आपके पास टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है, मोमेंटम है वो आपका कंजर्व रहेगा, एंड थर्ड इज जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर कुछ लॉस मिलेगा. तो ये हम स्टडी करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अगेन वही कंसिडर करेंगे कि सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, दे आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से देयर मोशन इज one dimensional motion and they are moving along a straight line with initial velocities u1 and u2. ये आपके पास दो bodies हो गई. Its velocity is u1, mass m1. Its velocity is u2. Its mass is m2. This is the condition before collision, or this is the condition during collision, m1, m2, and this is the condition after collision, v1, and this is moving with v2. This is M1 and M2. ये अब collision की representation है, सबको अच्छे से याद हो गई होगी. अब यहाँ पे क्या है? ये जो collision है, that is along a single axis. One dimension का मतलब single axis के along है. That axis can be your x-axis, y-axis and z-axis. तो इसमें क्या होगा? आपको पता है, जब collision होगा तो वो head-on collision होगा. ये body जाएगी और सीधा ही उससे strike कर जाएगी. तो such type of collision is known as head-on collision. मतलब head-to-head वो क्या होंगे? ये बॉडी जाके फर्स्ट वाली सीधा ही हेड ऑन कोलाइड कर जाएगी इस बॉडी के साथ. तो यहाँ पे दे कोलाइड एंड दिस कोलिशन इन्वॉल्व्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस तो यहाँ पे होगा, ठीक है. तो कोलिशन यहाँ पे है, ये कैसा कोलिशन है? इन इलास्टिक कोलिशन है, ठीक है. लेकिन अभी वो देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक है या कैसा कोलिशन है. तो हमने मान लिया v1 और v2 इनकी वेलोसिटीज हो गई आफ्टर कोलिशन. अब देखो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो बॉडीज हैं,
ये मिलके क्या बना रही है, एक सिस्टम को फॉर्म कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सिस्टम अगर फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, दैट वुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, ये हमें पता है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, अभी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है एम वन विद वेलोसिटी यू वन, एम टू विद इनिशियल वेलोसिटी यू टू, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम वी कैन राइट एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, दिस इज द फाइनल मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, ये क्लियर है। अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन में इलास्टिक कोलिजन में हम इतना ही स्टडी करेंगे कि आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए हैं, आपके पास मास अगर पता हो, m1 पता हो, m2 पता हो, और u1 और u2 अगर पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 फाइंड आउट कर सकते हो। याद है ना, लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिखी थी, देन हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखी थी और टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखी थी। तो हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना लिखेंगे यहाँ पे ये अल्टीमेटली हमने फाइंड क्या किया था, v1 और v2 फाइंड आउट किया था। तो v1 और v2 की वैल्यूज हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ वी हैव वैल्यू ऑफ m1, m2, u1 एंड u2, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है किसी को, स्क्रीन सबको शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना, ओके बेटा एक बार ये कर, सुषमा के नाम से जो है, एक बार बेटा दोबारा से आप लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ से आप बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ m1, m2, u1, u2, वी कैन फाइंड आउट द, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ u1, v1 एंड v2, ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, इसी इक्वेशन के अंदर, अगर हमारे पास कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, ये हो गया बेटा, इतना ही आपका है, इसमें आपको इतना ही बताना है कि इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कैसे होगा। ये आपके पास इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन को में अगर आपको m1, m2, u1, u2 की अगर वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। अब हम बात करेंगे किसकी, इसी इक्वेशन के अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ही मैंने आपको बताया था, समटाइम्स वी स्टडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगर आपका कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को आप क्या बोल सकते हो, प्लास्टिक कोलिजन भी बोल सकते हो, जिसमें दो बॉडीज क्या हो जाती हैं एक दूसरे के साथ आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाती हैं, देखिए कैसे। अब हम बात करेंगे किसकी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए बेटा, इस चैप्टर में से कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एज इट इज डेरिवेशन आती है, कुछ नहीं करना होता आपको। दिस इज बॉडी, फर्स्ट बॉडी, इट्स मास इज m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी इज m2, इट्स मास इज m2, एंड यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि दिस बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि दिस इज, दिस बॉडी विल एक्ट एज एज टारगेट, ठीक है, और दिस बॉडी इज मूविंग, सो वी विल कंसिडर इट एज प्रोजेक्टाइल, कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है क्योंकि ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 एंड दिस बॉडी इज एट रेस्ट, सो वी विल कंसिडर इट एज रेस्ट, ये प्रोजेक्टाइल जाएगा और इससे क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा बिकॉज दिस इज एट रेस्ट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दिस इज द स्टेट बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, m1 मास एंड m2 मास वाली बॉडीज दोनों क्या होंगी, स्टिक कर जाएंगी, स्टिक विल स्टिक विद ईच अदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v। अब ये अपनी अपनी इनकी सेपरेट वेलोसिटी नहीं होगी बिकॉज कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन, कल मैंने आपको बताया था ना बेटा, आप जो लेट आए हैं एक बार अपना प्रेजेंट मार्क कर दें, मैंने आपको कल बताया था ना कि सपोज आप एक बुलेट फायर करोगे और वो बुलेट वुडन प्लैंक के अंदर क्या हो जाएगी, पियर्स कर जाएगी एंड आफ्टर दैट दैट बुलेट विल नॉट कम बैक, ठीक है, और उसके बाद वो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी वी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इन दोनों को आप अलग अलग
वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि दिस इज प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसमें दोनों बॉडीज क्या हो जाती है, स्टिक कर जाती है। जैसे आपने मड को थ्रो किया था वॉल के ऊपर, तो क्या था कि मड स्टिक हो गया था वॉल के साथ, ठीक है। अब वो दोनों बॉडीज अलग अलग नहीं, बट वो दोनों बॉडीज क्या होगी, सिंगल एज ए सिस्टम बिहेव करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया बिफोर कोलिजन की स्टेट एंड दिस इज द स्टेट ऑफ आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब हमने, मैंने आपको बता दिया दिस सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, सो दिस विल बिहेव एज टारगेट, एंड दिस फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1, सो दिस विल बिहेव एज प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा कंडीशन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होंगे, तो उसके लिए m1 u1, देखिए इनिशियल मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, दिस बॉडी प्लस दिस बॉडी बिफोर कोलिजन, पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम देखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए बेटा, सेकेंड बॉडी का तो वेलोसिटी है ही नहीं, बिकॉज सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये हम जीरो पुट कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। एंड आफ्टर कोलिजन में हम क्या लिखेंगे, m1 है उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और m2 है बॉडी जिसका मास m2 है दैट इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, v को कॉमन ले सकते हैं m1 प्लस m2, मतलब दोनों ही बॉडीज कॉमन वेलोसिटी v के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और ये u2 बिकॉज सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये तो जीरो हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विद m1 u1। आई होप ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। यहाँ से आप वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लीजिए एंड इट वुड बिकम एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू। ये चीज भी क्लियर है सबको। अब एक चीज बस ध्यान से समझिए यहाँ पे, वो क्या होगा, देखिए एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू अगर ग्रेटर हो जाए, ठीक है, सॉरी लेस हो जाए, लेस देन वन, अगर ये वैल्यू लेस देन वन है तो कैन आई राइट जो वी होगा, अगर इस ये पूरी वैल्यू इज लेस देन वन है तो ये पूरी ही वैल्यू, ये वी जो है वो भी लेस देन वन होगा किससे, यू वन से, ठीक है। अगर दिस इज लेस देन वन, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ये लिखते हो इट इज लेस देन वन, तो ये जो वी है वो लेस हो जाएगा किससे, यू वन से। बस ये थोड़ा सा मैथ्स है, आप समझ गए होंगे क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन दैट इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच हैज मास m1। क्लियर है बेटा ये, ओके बस इतना ही बताना था, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। बस अब क्या करेंगे, आपको पता है जब आपके पास कोलिजन कैसा होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो हम उसमें किसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस है, अनुलेट काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर लॉस है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन है उसमें से आफ्टर कोलिजन माइनस कर दीजिए, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब बताइए पहले मैंने बिफोर कोलिजन क्यों लिया है, कोई बता सकता है, मैंने इसलिए काइनेटिक बिफोर कोलिजन में से आफ्टर कोलिजन माइनस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए u1 वेलोसिटी ग्रेटर है, क्योंकि u2 तो है ही नहीं, u2 तो सेकेंड ऑब्जेक्ट तो जीरो पे है, रेस्ट पे है, इसलिए u1 वेलोसिटी ज्यादा है, तो u1 अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके मल्टीप्लीकेशन से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है दैट इज v और उसका मैग्नीट्यूड कम है u1 से, इसलिए हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन में से माइनस किया है आफ्टर कोलिजन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बिफोर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी में से आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी को लेट अस रिप्रेजेंट बाय ई वन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाफ एम यू वन, ये बॉडी है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू वन,
तो हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम, अब देखिए सेकेंड बॉडी तो किस पे है, रेस्ट पे है, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, जीरो। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिशन वो कितनी है, हाफ एम यू वन स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिशन वो कितनी होगी, वो भी देख लेते हैं कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन उसको हम E2 से डिनोट कर लेते हैं, एंड ये क्या होगा, स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बेटा, स्क्रीन किसी है मैम, तो फिर किसको, सबको, मनीषा एक बार आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा, एक बार मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा से इन कर लीजिए, सबको है ना स्क्रीन विजिबल, ओके नहीं हो रहा है बेटा, लेफ्ट राइट होके देख लीजिए। हाफ एम यू वन स्क्वायर, ठीक है, हम अब ई टू लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन क्या होगी, वो होगी हाफ एम, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जो एम वन बॉडी है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी स्क्वायर, ठीक है, जो एम टू बॉडी है दैट इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी वी स्क्वायर, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो हाफ एम वन प्लस एम टू, और ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कोलिजन। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन में से इसमें से काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है, दैट विल गिव यू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। तो सिंपली देखिए हम ये माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास है, देखिए पहले एक बार इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ एम एम वन प्लस एम टू, और हमने वी की वैल्यू फाइंड आउट की थी बेटा, वी की वैल्यू याद है हमने लिखी थी इस इक्वेशन में से, वी की वैल्यू आपको याद है ना, मोमेंटम जो हमने निकाला था, एम वन यू वन इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू वी, और वी की वैल्यू हमने निकाली थी एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू, उसकी वी की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, एंड यू विल गेट एम वन यू वन, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू, और ये आपके पास होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब सिंपली क्या करना है, लॉस फाइंड आउट करना है, तो लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट वुड बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अभी विजिबल है बेटा, ओके अब हमें फाइंड आउट करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन। बिफोर कोलिशन कहाँ पे है, ये है हाफ एम यू वन स्क्वायर माइनस, क्या करोगे, ये है आपके पास, देखिए इसको अगर मैं यहीं से एक स्टेप में सोल्व कर लेती हूँ तो ये आपके पास देखिए क्या आएगा, हाफ इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा m1 plus m2 का whole square है, तो एक square से ये cancel हो जाएगा and you will left with m1 plus m2। I hope सबको clear है ये। इसमें से यहाँ पे minus कर देंगे और ये आपके पास आएगा half, ठीक है, m1 square u1 square divided by m1 plus m2। इसमें किसी को कोई doubt तो नहीं है, आप क्या करोगे simply यहाँ पे LCM ले लीजिए, LCM लोगे तो it is m1 plus m2, यही है। अब देखिए m1 plus m2 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये m1 था ना, this was m1, ये m1 u1 square को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, m1 plus m2 के साथ, एंड ये आपके पास माइनस रहेगा m1 square u1 square, क्लियर है। थोड़ा सा इक्वेशन का ध्यान रखिए, अगर कहीं पे गलती हो तो बता देना, बस अब आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करना है और आपके पास हमारी डेरिवेशन डन। बेटा स्क्रीन तो सबको विजिबल है, एक बार फिजिक्स कंसेप्ट पे क्लिक कर लीजिए,
बेटा सबको स्क्रीन विजिबल है क्या, या अकेली मनीषा के साथ ही प्रॉब्लम आ रही है? बेटा एक बार बाकी बता दीजिए कैसे करना है एक बार मनीषा को। ये आपके पास था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बस सिंपली हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए m1 u1 स्क्वायर को m1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इट वुड बिकम m1 स्क्वायर, और साथ में आपके पास u1 स्क्वायर है तो u1 स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए साथ में क्या होगा, ये आपके पास m1 है, यहाँ पे m1 है और आपके पास m2 भी आएगा और साथ में u1 का स्क्वायर भी आएगा। तो ध्यान से करना है m1 m2 और दिस इज u1 स्क्वायर, ठीक है। प्लस नहीं माइनस है हमारे पास, और ये आपके पास माइनस है m1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 m1 plus m2। दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गई है। अब देखिए यू विल लेफ्ट विद m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 m1 plus m2 एंड दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बेटा, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो लॉस आया है, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, इसका मतलब ये कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो देयर फोर सम लॉस इज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज देयर इन इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है बेटा, आगे चले नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन पे। मनीषा आप परेशान मत होइए, मैंने ये रिकॉर्ड कर रखा है लेक्चर, मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा। अगर कई बार नेटवर्क में एरर हो जाता है कि एक दिन नेटवर्क में प्रॉब्लम होता हो जाता है, वो अब नहीं होगा अभी, रहने दीजिए बेटा। नेक्स्ट कोलिजन पे शिफ्ट करें क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और ये कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा अभी विजिबल है, ओके बेटा नेक्स्ट पे चले, मूव ऑन करें। क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन इज, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन इज, देखिए हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कर कर लिया था, हमने इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अब कर लिया है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं 2 डायमेंशनल कोलिजन पे। तो अब हम करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन, सॉरी 2 डायमेंशंस। अब हम 2 डायमेंशंस की बात करेंगे। 2 डायमेंशंस की बात करेंगे मतलब हम कोलिजन किसकी बात करेंगे, कोलिजन किस में हो रहा है, प्लेन के अंदर, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो एक्स जेड प्लेन हो, ठीक है। अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात नहीं करेंगे, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन या एक सिंगल एक्सिस के अंदर कोलिजन नहीं है, कोलिजन अलोंग 2 एक्सिस मतलब प्लेन के अंदर है। जब भी 2 एक्सिस होते हैं उसको हम वी कॉल प्लेन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन बोल सकते हो एंड देर इज अनदर नेम, इसको आप ओब्लिक कोलिजन भी बोल सकते हो, OBLIQUE, ओब्लिक कोलिजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओब्लिक कोलिजन। अब ये होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास जैसे आपने 1 डायमेंशन कोलिजन के अंदर पढ़ा है, ये जो कोलिजन होगा उसमें क्या होंगी, 2 बॉडीज जैसे ये है, ये दोनों बॉडीज मूव ऑन कर रही हैं u1 एंड u2 से, ठीक है, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके बाद एक ऐसे चली जाएगी और एक ऐसे चली जाएगी, ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब प्रॉपरली अगर इस कोलिजन के बारे में स्टार्टिंग करें तो इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज कैसी हैं, अलोंग द स्ट्रेट लाइन है, तो उसको तो हम क्या कहते हैं, कोलिजन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। लेकिन इन केस अगर स्मॉल बॉडीज हैं वो अगर एक डायरेक्शन में पास कर रही हैं लेकिन कोलिजन के बाद वो अलग अलग एक्सिस के अलोंग क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, कोलिजन इन 2 डायमेंशन कहेंगे। अगेन हम मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडीज हैं m1 and m2, ठीक है, m1 and m2 आर द मासेस ऑफ 2 बॉडीज ऑफ ए एंड बी। आप ये सब लोग लिखेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को एक हैबिट हो जाए। ये इनिशियल में किसके लोग मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद वेलोसिटीज u1 एंड u2।
उसके बाद क्या होगा, कोलिजन होगा। यहाँ पे ये आपको पता है कि यू वन जो है वो ग्रेटर है किससे, यू टू से। यू वन ग्रेटर है तभी कोलिजन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों कोलाइड करेंगी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन होगा बॉडी जो ए है वो मूव करेगी विद वेलोसिटी वी वन, और ये जो है वो कुछ एंगल बनाएगी थीटा विद एक्स एक्सिस, अभी बताऊंगी। और जो बॉडी बी है आफ्टर कोलिजन, जो बॉडी बी है दैट विल मूव विद वेलोसिटी वी टू, और ये भी कुछ एंगल बनाएगी फाई किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पे नहीं है, अब ये कुछ ऐसे डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं जो डायरेक्शन थीटा एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि आपको कैसे इसका डायग्राम अपलोड कर सकते हो। ये कहानी समझ आ गई है ना? बेटा जो बाद में आए थे अपना प्रेजेंट मार्क कर दें। ये आपके पास है बॉडी ए, इसका मास है m1, ठीक है। ये आपके पास बॉडी है b और इसका मास है m2। ये मूव कर रही है u2 से और ये मूव कर रही है u1 से। देखिए ये बॉडी a है, ये b है, इसका मास इज m1, इसका मास इज m2। It is moving with initial velocity u1, it is moving with initial velocity u2। देखिए बेटा एक एक चीज को ध्यान से समझिए। यहाँ पे इनका जो मोशन है that is along a straight line। मान लेते हैं ये इनिशियल में किसके along move कर रही है, x axis के along before collision। लेकिन after collision क्या होगा, देखिए ये body ai इसकी velocity u1 is greater than u2, तो obviously यही इसको strike करेगी, आके collide करेगी। collision के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ये बॉडी ए है यहाँ पे कोलिजन होगा, ये इसे आके टकराएगी, तो जो ए वेलोस बॉडी है वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में चली गई है। दिस इज ए एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी वी वन, ठीक है। अब ये देखिए इस एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। और ये जो बॉडी बी है वो कोलाइड होके इस डायरेक्शन में आ गई है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, वी टू और ये बॉडी भी इस डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है। एक पोजीशन ऐसी आई होगी, ये ए मूव करती करते करते इससे जस्ट कोलाइड कर गई है, कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद क्या हो गया, सेपरेशन हो गया है, ठीक है। बॉडी ए हैज नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, एंड बॉडी बी इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम है बताएं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आगे चले चले आगे। ओके देखिए इनिशियल, बस कुछ चीजें समझानी है मुझे आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब बुक को लेके बैठे। इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस, जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है इनकी इनिशियल वेलोसिटी। यू वन और यू टू जो वेलोसिटीज है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो वी वन है और वी टू है, क्या आप इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं? यस, हम वहीं पे वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस v1 और v2 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए जो ये v1 है, v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस x एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब वो होगा v1 cos थीटा। ये क्लियर है सबको? हम क्या करेंगे, यहाँ पे v1 को हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और ये आ हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से। सबको विजिबल है ये? तो इसके अलोंग होगा क्या, v1 sin थीटा। किसी को प्रॉब्लम बेटा? ओके, ऐसे ही हम v2 को भी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और ये दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका x एक्सिस के अलोंग ही होगा, तो v2 cos phi, याद रखना थीटा नहीं, ये क्या है एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रही है, तो जहाँ पे एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, मेनली कोस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा फाई है, तो वी टू कोस फाई भी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इनकी जो वी टू वेलोसिटी थी उसको हमने दो एक्सिस में क्या कर दिया है, दो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। वी टू कोस ऑफ फाई इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये देखिए ये होगी कौन सी, वी टू साइन फाई। ये डायग्राम है, किसी को नहीं समझ आया है तो मुझसे फिर से पूछ सकता है। क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
ये आपके पास था एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई वाई डैश। क्लियर? अब बस वही करेंगे, अपनी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन में क्या है, मोमेंटम कंजर्वड है, टोटल एनर्जी कंजर्वड है, तो सारी चीजें वही लिख लेते हैं। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वड है, मोमेंटम भी कंजर्वड है और टोटल एनर्जी भी कंजर्वड है। तो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्वड है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। बेटा थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, मुझे कंप्लीट कराना है ये। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, जिसको भी ना समझ आए पूछ सकता है माइक ऑन करके। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, ध्यान से समझिए। आफ्टर कोलिजन हमने लिखी है हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, यही होगी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के साथ मास का मल्टीप्लीकेशन, हाफ से मल्टीप्लाई। दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, सॉरी ए, फाइनल वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से देखिए हाफ हाफ कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विद एम वन एम टू, एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? अब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्वड है, ये तो हमने लिख लिया, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये आ गई है। सेकेंड चीज हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी क्या है, कंजर्वड है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वड है, तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन देखिए बेटा, हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में एक स्टेप और ऐड करेंगे, वो क्या होगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वड है अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम किसकी बात करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करेंगे कि एक्स एक्सिस में टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा। तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लिखेंगे कितना था, और लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अभी देखिए समझ आ जाएगा, पैनिक मत होइए। आफ्टर कोलिजन देखिए, लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, एम इंटू वी। ठीक है, आफ्टर कोलिजन बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, देखिए इसको तो पहले लिख लेते हैं। बिफोर कोलिजन क्या होगा, एम वन यू वन होगा प्लस एम टू यू टू होगा। क्लियर है? अब देखिए एम वन बॉडी, फर्स्ट बॉडी है ए, उसका मास है एम वन। ठीक है, एम वन बॉडी वाली, एम वन मास वाली बॉडी का एक्स एक्सिस के अलोंग आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, ये वी वन कोस थीटा है भाई। वी वन का वी वन कोस थीटा कॉम्पोनेंट किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब वेलोसिटी लेंगे तो ये वेलोसिटी नहीं लेंगे, इस वेलोसिटी का वो कॉम्पोनेंट लेंगे जो किसके अलोंग हो, एक्स एक्सिस के अलोंग हो। वीडियो सबको क्लियर है? तो ये आपके पास हो जाएगा एम वन वी वन कोस थीटा। अगर किसी को ना समझ आया हो तो बताइए हमने कैसे लिखा है। ठीक है, एम वन हमने लिख दिया, एम वन के साथ जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिशन वो भी हमने लिख दी फर्स्ट बॉडी की। ठीक है, ऐसे ही M2 और M2 बॉडी की, मतलब ये जो सेकेंड बॉडी है जिसका मास M2 है, इसकी आफ्टर कोलिजन x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है कौन सी है, यही है बेटा v2 cos phi, यही x एक्सिस के अलोंग है। तो ये आपने लिख दिया v2 cos phi। ठीक है, और ये आपके पास इक्वल है किसके, M1 u1 plus M2 u2। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये आपका मोमेंटम है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ऐसे ही हम मोमेंटम निकालेंगे किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे, ये रब कर सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी वाला, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग बताएंगे आप लोग कैसे करें। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग कैसे करें, आपके पास अब y एक्सिस के अलोंग मुझे ये बताइए कि जो आपके पास बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा अलोंग y एक्सिस वो कितना होगा।
बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा आपके पास यही लिखेंगे ना, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यही करोगे. तो बिफोर कोलिजन हाँ दिया, वेरी गुड, जीरो. देखिए y एक्सिस के अलोंग बिफोर कोलिजन कोई वेलोसिटी ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली एंड ओनली अलोंग x एक्सिस. y एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी है ही नहीं, है ना, y एक्सिस पे हम कोलिजन निकाल रहे हैं. तो y एक्सिस यस सबने ही बता दिया है जीरो होगा. ओके तो समझ आ गया है ना क्यों जीरो होगा, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग आपके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है बिफोर कोलिजन, ठीक है. तो ये आपके पास जीरो हो गया. अब बात करते हैं सिर्फ आफ्टर कोलिजन. तो देखिए m1 है, ठीक है, m1 हमने लिख लिया. m1 की y एक्सिस के अलोंग आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है, ये है v1 sin थीटा. आई होप सबको क्लियर है ये, वेरी गुड. ये है v1 sin थीटा प्लस m2 सेकेंड बॉडी की क्या होगी, v2 sin फाई, v2 sin फाई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. ये सबको क्लियर है. ओके तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और दो इक्वेशंस आ गई हैं ये आपके पास क्या है, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, v1 कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल्स हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. देखिए जितने भी आपको तीन वेरिएबल्स हैं उसमें से कम आपको कुछ वेरिएबल्स तो नोन होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हो और वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो. तो इनमें से अगर आपको फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको m1, m2, phi और थीटा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, अब इसके हम कुछ केसेस करेंगे, और वो केसेस क्या हैं, वो काफी कंफ्यूजिंग है. चले आगे, इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देखिए साथ साथ ये इक्वेशंस लिख लीजिए कीजिए आप लोग, क्योंकि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि कहाँ से क्या हो गया है, क्योंकि मेरे पास इतना बोर्ड नहीं है कि इनको लिख ले. ओके कुछ नहीं है, अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, ये भी क्लियर हो जाएंगे. तो नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखना. जब आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास हम क्या कर दें, सेम कर दें. तो फर्स्ट थिंग m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये हमने कर दिया है, दोनों मासेस क्या कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं. अब सेकंड थिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट भी तो आपका रेस्ट पे ही है इनिशियली, तो u2 तो क्या हो गया है, जीरो हो गया है. अगर मैं u1 को क्या कंसिडर कर लूँ, u कंसिडर कर लूँ, तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन थी कौन से वाली, जो अभी आपने कोलिजन निकाला था उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो इक्वेट की थी, ऐसे इक्वेशन लिखी थी ना, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. इस इक्वेशन में क्या होगा, देखिए m1 और m2 दोनों तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, देखिए m m इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो दोनों तरफ, ये बताने की जरूरत नहीं है, दोनों मासेस इक्वल है, m m m m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से देखिए ये आपके पास यहाँ पे v1 स्क्वायर प्लस यहाँ से v2 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या रहेगा, देखिए सिर्फ u1 u2 तो क्या है, जीरो है, और u1 को आपने क्या रख लिया है, u1 को आपने u पुट कर दिया है, तो दिस इज u स्क्वायर. ये क्लियर है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर. ये क्लियर है, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे जब आपके पास क्या है, दोनों मासेस दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, तो u1 को यू आर कंसिडरिंग एज u. तो इस केस में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर. आई होप ये सबको क्लियर है. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमने मोमेंटम वाली इक्वेशन निकाली थी, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस वाली इक्वेशन निकाली थी, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था हमने m1 v1 cos थीटा, याद है ना, x एक्सिस के अलोंग जब लिखा था, और हमने लिखा था m2 v2 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. अब देखिए इसमें भी दोनों तरफ m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, यहाँ से आपके पास रहेगा v1 cos थीटा, और क्या रहेगा आपके पास, ये phi था बेटा, आपके पास रहेगा v2 cos phi, और यहाँ से कुछ बचेगा क्या हमारे पास, से हमारे पास देखिए m और m तो कैंसिल हो गया, ये जीरो हो गया, और यहाँ से आपके पास u, ये भी क्लियर है. तो ये हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं.
जो हमारे पास काम की इक्वेशंस है उनको हम लिखते जाएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, दिस इज वी वन, तो इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, वी वन कोस थीटा प्लस वी टू कोस फाई एंड दिस इज इक्वल टू यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखिए आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी थी अलोंग वाई एक्सिस, उससे आपको क्या मिला था? उससे आपको मिला था एम वन वी वन साइन थीटा माइनस एम टू वी टू साइन फाई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, यही मिला था हमें। यहाँ से m आप कैंसिल आउट कर सकते हो और आपके पास क्या रहेगा, वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन फाई, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी क्या? देखियो मैं आपको, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करके चल रही हूँ। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन फाई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी हम तीनों इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके सारा जो स्पेशल केसेस है वो हम करेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए वी वन और वी टू का स्क्वायर है और उसके इक्वल किसका स्क्वायर है, यू का स्क्वायर है। तो देखिए बेटा ये यू की वैल्यू है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप यू वन की वैल्यू रख देंगे और उस यू वन का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर एंड दिस इज गिवन एज यू स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा वी वन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वी टू स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी का ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर हमने लिख दिया है एंड टू ए बी, यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास टू वी वन वी टू कोस थीटा एंड कोस फाई। किसी को कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, v1 है v1 cos square theta को आप शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, v2 है v2 cos phi को इधर शिफ्ट कर लीजिए और आपके पास राइट हैंड साइड में सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, आपके पास होगा v1 square को कॉमन ले लीजिए, इसमें से आपके पास 1 रहा और इस इक्वेशन को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इट वुड बिकम माइनस और ये आपके पास होगा cos square theta। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोल देना। ये आपके पास होगा इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से, सॉरी इस टर्म में से आप v2 कॉमन ले सकते हो, v2 का स्क्वायर, तो यहाँ से रहेगा 1 और इसको भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास cos स्क्वायर phi। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2v1 v2 cos थीटा cos phi। किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, दिस इज v1 स्क्वायर और देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। प्लस ये हो जाएगा वी टू का स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगेन विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं, क्या है फाई, और ये आपके पास है टू वी वन वी टू कोस थीटा कोस फाई, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें बहुत ध्यान से करना है, क्या करना है, ये इक्वेशन देखिए, इसमें से अगर आप इसको चेंज करो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखिए मैं इसको थोड़ा सा, आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सोचो साथ साथ क्लियर हो रहा है, हो जाएगा नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, you can take this term to left right hand side and it would become v1 sin theta is equal to v2 sin phi, ye aap kar sakte ho is equation mein। to dekhiye aapke paas kya hoga, agar is equation mein aap kya put kar dete ho, yahan pe ye jo hai is v2 sin phi ki jagah, v2 sin phi ki jagah mein aap kya put kar do, v1 sin theta put kar do, to dekho beta ye to square hai, to kya ban jayega, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो आपके पास ऑलरेडी है, v2 साइन फाई की जगह आप क्या पुट कर दो, v1 साइन फाई पुट कर दो और ये स्क्वायर है, तो ये आपके पास कंप्लीट क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये आपके पास होगा 2v1 v2 cos थीटा और ये आपके पास बच गया cos फाई, तो ये क्या बन जाएगा 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और ये आपके पास होगा 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। किसी को ये ना समझ आया हो तो प्लीज बताएं, क्लियर है? ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है आपके पास। और भी कुछ कैंसिल आउट हो गया है क्या? यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो बेटा? यहाँ से आपको निकालनी है, इस इक्वेशन से आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हो, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालोगे cos थीटा की, तो ये पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में ये सब आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास होगा। देखिए यहाँ से आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ v1 का स्क्वायर है और यहाँ पे v1 है, तो cos थीटा की वैल्यू होगी v1, ये v2 डिवाइड में आ जाएगा, v1 v2, और यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos फाई। ये इक्वेशन भी क्लियर है, आपने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है, कोई प्रॉब्लम? अब आप क्या करोगे, देखो ये इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए थर्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिए, हो गया बस। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस बी का। तो आपके पास अभी आपने देखा था ना, ऐसे दो एंगल्स बन रहे थे, ये एंगल था आपके पास थीटा और ये एंगल था आपके पास फाइव। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस फाइव का अगर आप ये आइडेंटिटी लगाते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा cos फाइव माइनस sin थीटा sin फाइव। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये आपने आइडेंटिटी लगा दी है। अब आपने ये आइडेंटिटी लगा दी है तो देखिए cos थीटा प्लस फाइव, ये आपके पास क्या होगा, cos थीटा है आपके पास, ठीक है, और cos फाइव है। cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो इस इक्वेशन से, और cos थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दीजिए और साथ में cos फाइव को एज इट इज रहने दीजिए। तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी v1 by v2, और ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos फाइव। और देखिए यहाँ पे साथ में एक cos फाइव है, ठीक है, माइनस में आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन थीटा और साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, साइन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन फाइव की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा v1, इस ये v2 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा साइन थीटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन फाइव की। तो इस वैल्यू को उठा के इस साइन फाइव की जगह रख दीजिए। तो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा तो एज इट इज रह जाएगा, और जब इस साइन थीटा एक इस इक्वेशन में भी है तो ये हो जाएगा v1 by v2, और ये साइन थीटा और एक साइन फाइव रखोगे तो इसमें भी साइन थीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताइए, अगर नहीं है तो चले आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos फाइव से cos फाइव कैंसिल, और ये देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा ये आपके पास, ये आपके पास आएगा v1 by v2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस v1 by v2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना लिखूँ इसको, 1 लिख दूँ, कितना होगा जल्दी बताइए, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी फास्ट भाई, 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ना। तो ये भी सेम टर्म है, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, तो क्या आ जाएगा 0। और ये बताइए cos 0 कितने डिग्री पे होता है, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 पे कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 0 होता है 1 सॉरी, और cos 90 कितना होता है 0। तो cos 0 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो सिंपली हम यहाँ पे रख देंगे cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, ठीक है, cos से cos कैंसिल, दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा था, ठीक है। तो वही हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, ठीक है। और आपके पास इसमें कुछ है नहीं, वेरी गुड स्टूडेंट्स हो आप लोग, इतना पेशेंस से आप लोगों ने स्टडी कर लिया है पूरा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम ये पता चलता है हमें कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है टू डायमेंशन के अंदर, तो दो पार्टिकल्स होते हैं सेम मास के, तो वो क्या करते हैं आफ्टर कोलिजन, जो जिस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं तो वो दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ये हमें प्रूव करना था, ये हमने वैसे तो देख के पता चल रहा था, बट वी हैव प्रूव्ड इट, कोई प्रॉब्लम?